यही है। कहाँ है फिर? कहाँ है? तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये देखें मजे मजे की ग्रिल फिश। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि रात के 11 बजे जब आपका दोस्त आपको तंग करके के और कह के फिश खानी है, तो फिर आप टाइम भी नहीं देखते और आप फिश खाने चले जाते हो। तो रात के इस टाइम बज रहे हैं 11 और अर्जेंट मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज करके बुलाया कि यार मेरा फिश खाने को दिल चाह रहा है, हम यासिर ब्रोस पे पहुंच रहा हूं मैं, तुम भी पहुंचो। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी यासिर ब्रोस जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग का बनी तो इस छोटी सी वीडियो के साथ मैं अब एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर। तो मैं जा रहा हूँ यासिर रोस्ट मछली खाने, वहाँ से आप लोग के साथ सारी एक्टिविटी शेयर करूँगा। तो ये देखिए, बड़ी गंदी हालत में मैं रात के 11 बजे आराम से सुकून से बेड पे लेटा हुआ आराम करने लगा था। मैंने कहा था कि आज बहुत काम कर लिए तो आज रात को आराम करूँगा, जल्दी सो जाऊँगा। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, आज तुम आराम नहीं, आज तुम मछली खाओगे। तो ये देखें, ये मैं ड्रेस्ड अप होके सारा जा रहा हूँ। ठीक है, तो मछली खाने या से बोस पहुंच के फिर आप लोगों को बता। तो मैं अब रक्षे में बैठ चुका हूं और मैं जा रहा हूं यासिर ब्रोस्ट। तो यासिर ब्रोस्ट पहुंच के फिर आपको बताता हूं, ठीक है? तो हम लोग यासिर ब्रोस्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो अब आगे जाके हम फिश ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहाँ है फिर? कहाँ है? कहाँ है फिश? कहाँ है? क्या हाँ फिर ऐसे कर रहे हैं 1000 की? हाँ लेकर आए मैं 1000 बस, ठीक है क्योंकि बिल ज़्यादा बन जाना है, ये देख लो। हाँ एक किलो 650 ग्राम है, एक किलो से ऊपर। कितने के पैसों की बनी है एक किलो? बने मिल बनेगा तो ये पूरा पीस है, ये इजीली खा लेंगे आप, ठीक है? ये फिर एक कर दें। तो हम लोग यहाँ पे खाने का वेट कर रहे हैं, अब तकरीबन आधा घंटा लगेगा ना खाने पर, है ना? उसमें से 10 मिनट तो गुजर भी गए, 11:30 बज रहे हैं रात के। वैसे मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, अचानक ही अर्जेंट ही प्लान बना हमारा बाहर जाने का। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये देखें मजे मजे की ग्रिल फिश। ठीक है, कार्ड देखो कितने सोच के रखे हैं पीछे। हाँ इंसानों की तरह एक पैकेज करवाता है। ये मैंने बैकअप के लिए रखे हैं ना, बस ठीक है। जी, तो हमने खाना खा लिया है और अब बिल का वेट कर रहे हैं कि बिल आएगा तो फिर हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। और मुझे काफ़ी पसीना भी आने लग गया, ये देखिए ये मुझे पसीना आने लग गया। तो अब बिल का वेट कर रहे हैं, अब देखें कि बिल कितना आता है, आप लोग शेयर करें, ठीक है? तो खाना हमने खा लिया है और बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, बहुत ज़्यादा बिल आ गया था, 3000 से ऊपर बिल आ गया था। तो एक आइटम हमने अभी वापस करवाई क्योंकि पैसे मैं इतने नहीं लेकर आया हुआ था। बहुत एक्सपेंसिव है यासिर ब्रोस्ट, मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आया हूँ तो मुझे इनके चार्जेस और मुझे इनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग था और अंदर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अजीब सा था, सफाई सुथरा इनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर मत आइएगा यासिर ब्रोस्ट। बाकी पैसे भी ज़्यादा उन्होंने हमसे लिए हैं और
टैक्स और सर्विस के इतने ज्यादा पैसे नहीं है 500-600 की, मुझे समझ नहीं आ रही कितने क्यों नहीं है, जबकि इनकी सर्विस बहुत पुअर थी। ग्रिल फिश के भी मैं आपको ये कहूँगा कि ग्रिल फिश भी बस ओके थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो में बहुत डिसअपॉइंट हुआ यहाँ आके, तो इसी के साथ मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों ही बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दें इजाज़त। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।